कुछ भी बताने से पहले राम मंदिर के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले कार सेवकों की सच्चाई जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सोचिए क्या होगा वो पल जब गोलियां कार सेवकों को घायल कर रही थी, मौत के घाट उतार रही थी, उसमें झांसी का क्या योगदान था। बात उस दौर की है जब एक धड़ा मस्जिद के समर्थन में खड़ा था तो दूसरा धड़ा अयोध्या राम मंदिर के समर्थन में खड़ा था। साल था 1990 का। उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया के रूप में कुर्सी पर तैनात थे मुलायम सिंह यादव। हिंदू मुस्लिम का जहर पूरे भारत में कोरोना की तरह फैल चुका था और रोज इक्के दुक्के लोग इसका शिकार बन रहे थे। आज के समय की स्थिति देखकर लगता है ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब मुद्दे की बात पर लौटते हैं। आप सब 1990 से लगातार कार सेवक शब्द सुनते आ रहे हैं। जो लोग इसका अर्थ जानते हैं वो अच्छी बात है और जो नहीं जानते उन्हें बता देते हैं। वास्तव में कार सेवक शब्द संस्कृत से लिया गया है। कार का मतलब होता है हाथ और सेवक का अर्थ है सेवा करने वाला। जो लोग किसी भी धार्मिक कार्य या संस्था के लिए परोपकार से जुड़ा काम निस्वार्थ व निःशुल्क करते हैं उन्हें कार सेवक कहा जाता है। आज इस कहानी में हम बात कर रहे हैं झांसी शहर की। क्या आपको पता है कि 1990 के उथल पुथल में झांसी की क्या भूमिका रही? उसी दौरान एक कार सेवक जगत प्रकाश अग्रवाल पुलिस की गोली से मौत हो गई। अयोध्या में भगवान राम मंदिर निर्माण को लेकर दो बार आंदोलन किए गए। दोनों बार झांसी प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। अयोध्या में विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त किया गया। लेकिन इससे पहले 1990 के अक्टूबर माह में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर एक बड़ा आंदोलन किया गया। अशोक सिंगल ने अयोध्या चलो का नारा दिया। इसके बाद तो मानो देश भर में राम लहर चल पड़ी। देश के कोने कोने से कार सेवकों के जत्थे निकल पड़े। दक्षिण की ओर से आने वाले लाखों कार्यकर्ताओं को झांसी में रोककर अस्थायी जेलों में बंद कर दिया गया। इससे नाराज कार सेवकों ने तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को सद्बुद्धि देने के लिए बुद्धि शुद्धि हवन का आयोजन किया। झांसी में दुर्ग की तलहटी में 30 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे हवन शुरू किया गया। इसमें पुरुष कार सेवकों के साथ काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। पुलिस की जानकारी हुई तो फोर्स पहुंच गई। राम मंदिर के हवन को छिन्न भिन्न कर दिया गया। राम मंदिर के हवन को छिन्न भिन्न करने के विरोध में कार सेवकों की भीड़ खंडेराव गेट पर पहुंच गई। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया तो कार सेवकों ने पथराव कर दिया। आमने सामने का संघर्ष होते ही पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया जिससे भगदड़ मच गई। 9 से 10 के बीच में पुलिस ने गोलियां चला दी। ये संघर्ष शहर के अन्य क्षेत्रों में भी फैला। लगभग 2 घंटे तक रुक रुक कर गोलियां चली जिसमें 39 लोग घायल हो गए, जबकि शहर निवासी जगत प्रकाश अग्रवाल को खंडेराव गेट पर सीने में गोली लगी जिससे उनकी मौत हो गई। कार सेवकों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जबकि कई घायल घटनास्थल पर ही तड़पते रहे। लगभग दोपहर के 2 बजे पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया गया। लगभग 2:30 बजे के करीब झांसी में भारतीय सेना ने कमान संभाल ली। सेना में बेहोश पड़े जख्मी कार सेवकों को आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में 32 पुलिसकर्मी भी कार सेवकों द्वारा पत्थरबाजी में घायल हुए। उधर रानी महल के पास ड्यूटी पर तैनात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सीताराम आजाद के 22 वर्षीय पुत्र लल्लू राम नामदेव की मौत हो गई। वो होमगार्ड जवान थे जिसकी पत्थर लगने से मौत हुई थी। जगत प्रकाश अग्रवाल की 30 अक्टूबर को खंडेराव गेट पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई जहाँ ये घटना हुई थी। वहीं आपको बता दें कि शहर की ओर जाने वाली एक सड़क का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये भूखंड खरीद जाने के बाद पहले भजन कीर्तन शुरू किया गया। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन का केंद्र बिंदु बनी यही स्थान जहां से मंदिर आंदोलन की रणनीति तय की गई और कार सेवकों के लिए सुरक्षित पनागाह भी रही। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रशिक्षण शिविर भी चलने लगे। मंदिर आंदोलन के दौरान कई बार यहां लाठी चार्ज किया गया और धरपकड़ भी हुई। आज कार सेवक पुरम अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की पहचान बना हुआ है। प्रशिक्षण सत्र का आयोजन होता रहता है। यही वजह है कि आज सैकड़ों लोग यहां मुफ्त भोजन पाते हैं। वर्तमान समय में 300 से 400 लोग प्रतिदिन यहां भोजन करते हैं।